राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है ब्रेकफास्ट से। और आज मेरी हाउस हेल्प आई नहीं है, तो आज मुझे करना है पूरे दिन काम। आज पर की भी छुट्टी है, और क्योंकि बारिश हो गई है तो। और ये मैंने रात को भिगो के रखी थी मिक्स दाल, जिसमें अरहर की है, चने की है, मूंग की धुली हुई और छिलके वाली है। तो मैंने धो के अच्छे से डाल दी है मिक्सर में ना पीसने के लिए। और उसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिया, जो कि बच्चों के लिए हेल्दी है। और अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन भी डाल दिया है, जिनके बच्चे भाई मेरे बच्चों की तरह सब्जियां नहीं खाते, तो आप इस तरीके से चीला खिला सकते हो बच्चे को। मेरे बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं वाला चीला, वैसे कोई सब्जी नहीं खाते। अब इसमें मैंने पालक भी डाल दिया है, गाजर भी डाल दी है, और मैंने इसमें डाल दिया बीट रूट। और जितनी भी सब्जियां डाली इनमें से मेरे बच्चे कोई सब्जी नहीं खाते आलू के अलावा। ये देखो दाल भिगी हुई रखी है, एक और राउंड में सारी पीस दूंगी अभी, तो इस बार में से कितनी आएगी आलू भी थोड़ा सा तो डाल बस और पालक है। और भी सब्जियां हो तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास से कितनी सब्जी थी तो मैंने इतनी डाल दी है। डाल के इसको पीस लेंगे। भाई हम भी माँ है ना कुछ तरीके से तो खिलाएंगे सब्जियां। और ये मैंने सारा दाल पीस के बैटर बन गया है, कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और नमक डाल के ये बना दिए मैंने चीले, और मतलब कलर की वैसे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये ना। बीटरूट वैसे नहीं खाते, बट इस तरीके से या पराठा बना के खिला देती हूँ मैं पराठे में डाल के। और अब है मेरे लंच की बारी, और आज लग रहा है मुझे पूरे दिन किचन में रहना पड़ेगा, क्योंकि नई नई डिमांड हो रही है बच्चों को खाना बैगन फ्राई दाल चावल के साथ ना। तो ये है जीरा भुना हुआ, लाल मिर्ची है, नमक ले लिया है मैंने, और था मेरे पास भुना हुआ बेसन, और है धनिया और हल्दी पाउडर। अब इन सब मसाले को मैं कर लूँगी मिक्स। और ये मेरे गोल वाले बैगन हैं, इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और अगर आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ट्रस्ट में आप बनाओगे तो आपके बच्चे 100% खाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चों के बराबर कोई बच्चा तंग नहीं करता होगा खाने में ना, बट इनको बहुत पसंद है। जैसे दाल चावल के साथ ही कोई और सब्जी नहीं खाते, बैगन फ्राई बना दो तो खा लेते हैं। इस तरीके से मैंने स्लाइसेस काट ली हैं। यार सच में ना वीडियो बनाना ना काम करते करते बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग तो हो जाता है। बट अभी मैंने थोड़ा पर को पकड़ा, पर थोड़ा सा मेरी एक दो क्लिप बना दे बेटा, तो उसने मेरी कर दी हेल्प। और ये सारे मसाले को मैंने कर दिया है मिक्स। अब मैंने ये सारी स्लाइसेस को करके मैंने 5-6 मिनट के लिए रख दिया है, क्योंकि जो मॉइस्चर इनमें से निकलेगा ना वो सारे मसाले को अब्सॉर्ब कर लेगा। पहले तो लगता है ड्राई लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरा मसाला ना सेटल हो जाता है। और ये मैंने पैन में डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और ये बैगन फ्राई ना मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको पकाने में ना। और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना दाल चावल के साथ ना, बहुत ही बढ़िया। हार्डली ना मतलब 5-6 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने बना ली है दाल। देखो बारिश हो रही है गुड़गांव में, तो ऑब्वियसली चीज़ें हाउस हेल्प तो नहीं आ सकती। और जीरा राइस भी बन के तैयार है, तो बच्चों की अलग अलग डिमांड है, अच्छा लगता है भाई बच्चों को खिलाना। ये देखो बैगन फ्राई बन के तैयार है। अब ये मैंने लगा दिया लंच, दाल है, दही है, और मसाला बैगन है, और जीरा राइस है। तो बस दोस्तों अभी तो शाम बहुत दूर है, आज पता नहीं क्या क्या बहुत सारी डिमांड है बच्चों की। पर इसी नोट पे मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। बाय बाय दोस्तों।